पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। पिथौरागढ़ के टकाना निवासी मयंक सामंत से कुछ माह पूर्व साइबर ठगों ने 6,64,663 रुपए की ठगी कर ली। उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली में धारा 420 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश पर एसआई प्रदीप यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी रमेश प्रसाद निवासी महानारुलता नगर कांदीवली मुंबई और भरत सिंह निवासी दूध तलाई चित्तौड़गढ़ हाल विठल दास मार्ग मुंबई को गिरफ्तार कर धारा 41 का सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया। उन्हें समय से पुलिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पिथौरागढ़ दौरे को निराशाजनक बताया है। कहा है कि जनपद के लोगों को भरोसा था कि सीएम बेस अस्पताल संचालन की तिथि बताएंगे, मैग्नासाइट फैक्ट्री को संचालित करने के लिए कितने लोगों को समिट के माध्यम से एमओयू किया है, मेडिकल कॉलेज कब संचालित होगा इसकी जानकारी देंगे। पिथौरागढ़ जनपद का जो दौरा था मुख्यमंत्री का वो निराशाजनक रहा। इन्वेस्टर समिट देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने किया था। हमने सोचा था कि पिथौरागढ़ जनपद की जो मैग्नासाइट फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है उसको संचालित करने के लिए भी किसी कंपनी को इन्होंने एमओयू किया होगा, लेकिन आज इस दौरे से साफ जाहिर होता है कि हमारे न बेस हॉस्पिटल संचालित की तिथि बताई, न हवाई जहाज उड़ने की तिथि बताई, न मेडिकल कॉलेज संचालित होने की तिथि बताई। सिर्फ महिला समूह को गुमराह कर पिथौरागढ़ जनपद में जिला प्रशासन को अपनी कठपुतली बनाकर उनका दुरुपयोग कर दबाव बनाकर गांव-गांव से अधिकारियों को डरा धमका कर महिलाओं को समूह के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद में बुलाया गया और उन महिलाओं के साथ उनके साथ अन्याय किया गया। अगर वो सच्चे महिलाओं के हितैषी होते तो हमारे अंकिता हत्याकांड जिसमें एक वीआईपी का नाम भी उसकी मां खुलासा कर रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करती। कहा कि उत्तराखंड सरकार करोड़ों रुपए का लोन ले रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग व भाजपा कार्यकर्ताओं में बंदर बांट की जा रही है। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को गुमराह कर जिला प्रशासन के दबाव में रैली में बुलाया जा रहा है। पिछले वर्ष 14 नवंबर को जौलजीबी मेले की कवरेज के दौरान पहाड़ी से गिरने से एबीपी के वरिष्ठ पत्रकार योगेश पाठक का निधन हो गया था। पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को झापन सौंप कहा है कि दिवंगत पाठक पर उनकी बुजुर्ग मां और 4 छोटे भाई निर्भर थे। कहा है कि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। एसोसिएशन ने परिजनों को 10,00,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की है। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध, यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज, साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास पिथौरागढ़। मल्ला जौहर विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम धर्मसत्तू ने प्रशासन से मांग की है कि माइग्रेशन वाले मल्ला जौहर के 14 गांव में भालू और अन्य जानवरों द्वारा ग्रामीणों के भवनों को पहुंचाई गई क्षति का आकलन करने के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम क्षेत्र में भेजी जाए। जानवरों ने भवनों को खासी क्षति पहुंचाई है, आकलन टीम में ग्रामीणों को भी साथ ले जाए जाने की मांग उन्होंने की है। पिथौरागढ़ जिले के युवा बाल साहित्यकार को बरेली में आयोजित उत्तरायणी मेले में सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष अमित कुमार पंत, महासचिव मनोज पांडे, कोषाध्यक्ष कमलेश बिष्ट, मेला डायरेक्टर भूपाल सिंह, मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा, सांस्कृतिक प्रभारी पूरन सिंह दानू की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने उनके साहित्य सृजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे युवाओं को सही राह दिखा रहे हैं। इस वर्ष मेले का संचालन भी ललित शौर्य द्वारा किया जा रहा है।
पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण में पहुंचे मुख्यमंत्री का न्यू बियरशिवा परिवार नज भव्य स्वागत किया। विद्यालय के निदेशक एडवोकेट भुवन भाकुनी, पुलिस लाइन शाखा की प्रधानाचार्य ममता मेहता और जीआईसी शाखा के प्रधानाचार्य मीनाक्षी बिष्ट की अगुवाई में 400 छात्र छात्राओं और 25 शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विद्यालय की ओर से टकाना तिराहे क्षेत्र में 60 फीट लंबा बैनर लगाया गया था। विद्यालय के निदेशक भुवन भाकुनी ने मुख्यमंत्री को बुके भेंट किया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।